दुनिया का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है। ब्राजील के वर्षा वनों में पिछले दो हफ्तों से लगी ये आग ब्राजील के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी जैसा बन गया है। अब इस आग का सीधे तौर पर आपके जीवन पर क्या असर होगा, आइए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि अमेजन के वर्षा वनों को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। दरअसल ये पूरी दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा उत्सर्जित करते हैं। यहाँ 16,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं। अमेजन के जंगलों में करीब 39,000 करोड़ पेड़ पौधे मौजूद हैं। यहाँ 25 लाख से ज़्यादा कीड़ों की कई अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ब्राज़ील में जंगलों की कटाई के कारण आग लगने की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इस साल जनवरी से लेकर अगस्त के बीच 73,000 आग लगने की घटनाएँ सामने आई हैं, जबकि 2018 में पूरे साल में कुल ऐसी 39,759 ऐसी घटनाएं हुई थीं। अमेजन के जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। यूरोपीय संघ के देशों का जो कुल क्षेत्रफल है ये उससे लगभग 1.5 गुना बड़ा है। अमेजन के जंगलों में 400-500 से ज़्यादा स्वदेशी आदिवासी जातियाँ रहती हैं। इनमें से करीब 50% आदिवासी प्रजातियों ने भी तो कभी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क तक नहीं किया है। पिछले 150 सालों में मनुष्य के जीवाश्म ईंधन कोयला तेल गैस आदि का इस्तेमाल कर वातावरण में कार्बन को बढ़ा दिया है। पेड़ों का काम कार्बन को लेकर ऑक्सीजन देने का होता है। पेड़ों की संख्या घटने से ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, जिस कार्बन यानी कि CO2 को सोखते हैं जलने पर उसे वापस भी छोड़ेंगे, जिससे कि कार्बन की मात्रा बढ़ती रहेगी। अमेजन या ऐसे जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ कीड़े और अन्य चीज़ें कई तरीकों से हमारे काम आती हैं। खेती कपड़े दवाई सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ता ताज़ा हालात के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को जिम्मेदार मानते हैं। वही राष्ट्रपति बोलसोनारो का घटना का जिम्मेदार NGO को ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि ग्रीन ग्रुप्स ने सरकार को बदनाम करने के लिए ये आपराधिक साजिश रची। उन्होंने संदेह भी जताया है कि ग्रीन ग्रुप्स ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी सरकार ने उनकी फंडिंग हटा दी है। द डेली न्यूज़ रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।